भाइयों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने के लिए लाए हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आगरा और आगरा के आसपास के क्षेत्र में एक क्वालिटी वर्क प्रोवाइड किया है। तो हम देर न करते हुए मिलते हैं निशा एलईडी की ओनर मिसेस निशा जी से। तो मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अपने यहाँ क्या क्या वर्किंग रहती है। हमारे यहाँ MDF, WPC, कोरियन कटिंग, मैरिज होम में कटिंग्स के आजकल डिजाइन चल रही है, उसकी भी हम कटिंग करते हैं। 3D, 2D सारा वर्क रहता है। तो ये अपनी फर्म कहाँ पे एस्टेब्लिश है? मेरी फर्स्ट ब्रांच जो है वो LED बोर्ड की है, वो फतेहाबाद रोड पे है जी। दूसरी ब्रांच जो है जहाँ हम अभी खड़े हैं ये शमशाबाद रोड पे है, पन्ना पैलेस के जस्ट बगल में। अच्छा अच्छा जी। तो मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, वो आपसे उस तरह की उसको डिजाइन बनवानी है, तो वो किस तरह से ऑर्डर वगैरह आप कलेक्ट करते हैं, कैसे डिजाइन रेडी रहती है, तो एक बार हम भी देख सकते हैं कहाँ पे ये वर्किंग रहती है। तो ये आपका डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह तैयार की जाती है। अच्छा, इसके लिए तो सारा सिस्टम वगैरह सब कुछ अलग ही रहता है पूरा? हाँ, डिजाइन का सिस्टम अलग है। यही पे गेस्ट बैठते हैं, यही पे डिजाइन कंफर्म हो गई। हाँ, ये पसंद आ गया। हाँ, उसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, क्योंकि कटिंग होने के बाद उसमें कुछ भी नहीं होता, ये लास्ट स्टेज होता है। कुछ डिजाइन आपके पास भी अवेलेबल रहती होंगी, और कोई खुद से लेके आना चाहे वो भी लेके आ सकते हैं, तो हम उसी डिजाइन को कॉपी करके डिजाइन बना के देते हैं। सिस्टम पे डिजाइनिंग रेडी होने के बाद फिर आगे का क्या प्रोसीजर रहता है? आगे का फिर मशीन में लगती है वो और स्टार्ट हो जाती है। तो अपने यहाँ अगर किसी का साइज कह नहीं सकते, छोटा है बड़ा है, मैक्सिमम क्या साइज तक हो जाती है कटिंग? मैक्सिमम साइज जो है 4x12, भी लास्ट 4x12 तक के, 4x4 feet by 12 feet साइज की कटिंग हो जाती है यहाँ पे। चलते हुए हम देख लेते हैं अंदर जो भैया कटिंग डिपार्टमेंट है उसको। तो यहाँ पर जो सीट आती है कटिंग के लिए वो इस तरह की आती है, नॉर्मल MDF सीट। हाँ, ये MDF है। इसमें थिकनेस आती है कितने mm की चाहिए होती है, जैसे कि अब ये देख रहे हैं आप, ये 12 mm है, तो 12 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, काफी अलग अलग आती है। तो वो अपने ऊपर है गेस्ट को कितने mm की कटिंग करानी है, तो वो खुद ही लेके आते हैं। अच्छा जी, खुद ही लेके आते हैं। कभी कभी गेस्ट बोलते हैं कि मैम आप ही प्रोवाइड करा दीजिए जी, तो हम भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो मैक्सिमम किस थिकनेस की कटिंग हो जाती है अपने यहाँ? 18, 20, 24 mm तक के। 24 mm तक। इसके आगे जैसे हमारी ये सीट हो गई, फिर क्या प्रोसीजर रहता है कटिंग का वो बता दीजिए। शीट हमें यहाँ लगानी होती है मशीन पर, जो लड़के अभी ये लगा चुके हैं मशीन पे शीट, उसके बाद में वहाँ से कमांड दी जाती है। तो क्या CNC कटिंग मशीन? इसको CNC कटिंग बोली जाती है। अच्छा, कटिंग के समय सीट को फिक्स रखा जाता है ताकि कटिंग पूरी तरह हमारी शार्प। हाँ, अगर समझ लीजिए हमने थोड़ी सी भी इसको ढीला छोड़ दिया, तो इतनी स्पीड होती है इसकी वाली मशीन की, शीट उठा के फेंक देगी। अच्छा, और पूरी शीट को खराब कर देगी। तो ये बहुत तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ता है। अगर डिजाइन में भी थोड़े से भी mm आपने कम ज्यादा करा, तो वो डिजाइन भी खराब कर देगी, यानी आपकी शीट खराब। अच्छा जी। हाँ, तो ये पूरा सा ये जो भी वर्क रहता है ना, ये बहुत ही ज्यादा एकदम कंसंट्रेशन वाला वर्क। हाँ, इसमें जो भी रहता है वो एक्सपर्ट रहता है। एक्सपर्ट रहता है, एक्सपर्ट ही डिजाइनर चाहिए, एक्सपर्ट ही इसमें ऑपरेटर चाहिए। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा अलग अलग काम किए जाते हैं। यहाँ जैसा कि मैं आपको दिखाई चुका हूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। डिजाइनर वो सिर्फ डिजाइनिंग करते हैं, कटिंग डिपार्टमेंट में कटिंग की जाती है, इसके आगे जो प्रोसीजर रहता है इंस्टॉलेशन वगैरह का वो अलग से रहता है। अब जैसा कि देख रहे हैं आप, ये सीट कंप्लीट हो गई, अब इसको यहाँ से हटा के रखा जाएगा। तो ये हमारी फाइनल कटिंग हो चुकी है। अच्छा, इस सीट के ऊपर ये कोई पॉलिथीन वगैरह लगी रहती है? सर, ये पन्नी लगी हुई है, जब ये फिक्स करते हैं ऑनर्स जिनकी शीट है, तब ये वो पन्नी हटा लेंगे। इसको बोलते हैं HPL। अच्छा, ये अलग अलग तरीके की शीटें होती है, MDF, WPC, जैसे ये HPL है, जैसे जिसकी डिमांड जो काटना चाहे वो काट सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैम अपने और क्या क्या कटिंग रहती है वो मैं दिखा देती हूँ। सर, बाहर लगाए हैं कौन कौन सी सीट? ये SCP शीट है, जैसे कि ये गोल्डन है, इसके कैटलॉग ये लगे हुए हैं, इसमें से हम डिजाइन पसंद करवा देते हैं गेस्ट को कि आपको कौन से कलर की डिजाइन काटनी है, ब्लैक, व्हाइट, गोल्डन, जो भी चाहिए वो इसमें वो खुद से भी ला सकते हैं और आपसे भी ले सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं। ये MDF है, इसमें थिंकनेस होती है, इसमें आप कलर कर सकते हैं, जैसे कि इस पे आपने कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद इस पे कलर कर सकते हैं, डिकोपेंट,
डिको पेंट करने के बाद क्या है कि मोस्टली काफी लोग क्या है कि उसके ऊपर माइका पेस्ट कर देते हैं, तो माइका पेस्ट करने के बाद भी डबल वर्क रह जाता है। माइका पेस्ट करने के बाद भी उनको पेंट का काम फिर भी कराना पड़ता है क्योंकि साइड से जो रेशे निकलते हैं। अच्छा, तो वो क्या ब्रश से पेंट हो जाता है या फिर वो नहीं, मशीन से होता है। अगर हम ब्रश से पेंट करेंगे तो वो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएंगी, एक एग्जीक्यूटिव लुक नहीं आता उसमें। मैं पेंट करे हुए भी रखे हुए वहां पे, मैं दिखा देती हूँ आपको। इसको एमडीएफ बोलते हैं, प्लाई, देन ये डब्ल्यूपीसी जो व्हाइट कलर होता है, ये डब्ल्यूपीसी होती है। मोस्टली लोगों को व्हाइट कलर पसंद होता है, उनको पेंट नहीं करना होता है ना, तो उनको माइका जो होती है माइका भी पेस्ट नहीं करनी होती है। बोलते हैं कि मैम एक ही शीट आए उसको काट के हम लगा ले पार्टीशन में। अब उससे तो उसके लिए उनके लिए ऑप्शन यही होता है कि वो डब्ल्यूपीसी यूज कर सकते हैं। ये पेंट हो रखी है शीट, ये गेस्ट के हैं किसी, ये एमडीएफ है। अब एमडीएफ के ऊपर हमने इनको डिको पेंट कर दिया, बिल्कुल फिनिशिंग से डिको पेंट है। अच्छा, प्रोफेशनल तरीके से। तो ये मैम पेंट वगैरह का वर्क अपने ही यहाँ हो जाता है? हाँ सर, सब कुछ। और ये इस वाली सीट पे गोल्डन कलर का, गोल्डन कलर के, उसमें आप कौन से भी कलर ले सकते हैं, यू हैव अ चॉइस, बिकॉज काफी कलर्स होते हैं। और ये आप पार्टीशन में, जैसे कि काफी लोगों का घर बड़ा होता है तो लोगों को लगता है कि हम यहाँ दीवार नहीं लगा सकते, देन हमें छोटा सा पार्टीशन की जरूरत है, तो आप इस तरीके से कटिंग करके बीच में पार्टीशन लगा सकते। इसका मतलब कटिंग का कैसे क्या रेट वगैरह कैसे कस्टमर को ये, सर, मतलब प्राइस क्या पड़ता है? अभी प्राइस तो नहीं बता सकते क्योंकि थिकनेस के हिसाब से काम होता है। अभी आपके, आप 6 mm लेके आए तो उसके रेट अलग है, 8 mm की थिकनेस के अलग है। जितने थिकनेस ज्यादा बड़ी होती है और डिजाइन जितनी घनी होती है उससे रेट बढ़ जाते हैं, और वैसे ही पतली, जितनी पतली शीट होती है और डिजाइन थोड़ी फैली हुई होती है वैसे रेट कम होते हैं। भाइयों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि रेट में बहुत सारे वेरिएशंस हैं। रेट डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपकी सीट कौन सी है, फिर डिपेंड करेगा उसका साइज क्या रहेगा, फिर डिपेंड करेगा उसकी डिजाइनिंग क्या रहेगी, और उसके बाद भी डिपेंड करेगा कि भाई उसकी थिकनेस क्या है। और एक और चीज अब जुड़ जाती है कि अगर आप उसको पेंट करा के ले रहे हैं तो उसका प्राइस अलग हो जाएगा। इसलिए आपको जो भी डिजाइनिंग रेडी करानी है मैम से, आप यहाँ पर संपर्क कीजिए और आप उसका पर्टिकुलर प्राइस पता कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम प्राइस रेंज में चले गए तो हमें सुबह से शाम हो जाएगी, हम प्राइस कंफर्म नहीं कर पाएंगे। मैम, जैसा कि मैं देख के चल रहा हूँ, आपका LED बोर्ड का भी बहुत बड़ा काम है, नाम भी मैंने काफी सुना है, तो यहाँ पर आपने कुछ सैंपल्स लगा रखे हैं हमें, आप उनके बारे में भी डिटेल बता दीजिए। बिल्कुल कि सर, किस तरह से क्या रहता है? आप जैसे डिस्प्ले में ये फोटो फ्रेम है, लुक लाइक आप किसी रेस्टोरेंट में अगर आप गए हो तो वहाँ पे आपने देखा हो कि डिस्प्ले जल रही है, लग रही है, तो ये भी हमारे यहाँ बनते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है, ये फोटो फ्रेम है, और इसको आप ओपन करके, जैसे ये हमने गुलाब जामुन का वो लगा के रखा है। अच्छा, तो इसको आप निकाल सकते हैं ऐसे, और इसको ये निकाल के आप सेकंड फोटो लगा सकते हैं, और ये पूरा पैनल है जो जल रहा है। जी, उसके अलावा और क्या क्या मिलता है अपने यहाँ? जैसे ये नेम प्लेट है, ये नेम प्लेट भी काफी ये है कि इसमें 3D में है, तो उससे क्या है 3D लेटर जो उठे हुए उभरे हुए लगते हैं तो मोस्टली कोठी में या बड़े घरों में अच्छे लगते हैं। जी जी। और दूसरा फिर हमारा ये न्योन का भी वर्क है जो मैंने अपने नाम से लगा के रखे हैं, निशा एलईडी, ये भी न्योन है। देन उसके बाद में पिक्सल में अगर आपको चाहिए तो हम पिक्सल में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, पिक्सल ये जो एलईडी लगी हुई है, ये जो है पिक्सल होते हैं, जो कि मेरा पिक्सल में बोर्ड चल रहा है सामने निशा एलईडी के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। और लोग घरों के लिए, ऑफिसेस के लिए, अपने रेस्टोरेंट, होटल्स के लिए सारा वर्क आपके यहाँ हो जाता है। और यहाँ पर हम कुछ लेटर्स देख रहे हैं, किसी की बड़ी बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग के ऊपर लगाना चाह रहा है या किसी का बड़ा शोरूम है, तो बड़े मैक्सिमम साइज के भी अपने यहाँ से बहुत सर, बहुत बड़े बड़े साइज होते हैं। अगर आपके 14 मंजिल या 15 मंजिल भी बिल्डिंग है तो हम उसके ऊपर भी बोर्ड लगाते हैं। अब मान लीजिए किसी ने यहाँ से LED बोर्ड पूरा बनवा लिया, और बनवाने के बाद उसको क्या स्टेबल कराने का भी वो वर्किंग वगैरह आपके पास? सर, ट्रांसपोर्ट का जो भी रेंट लगता है और ट्रांसपोर्ट का पेमेंट लेके टेक्नीशियंस हमारे जाके वहाँ पे लगा। उसके अलावा मैम, मैं जरा देखना चाहूंगा कि किस तरह से आपके जो टेक्नीशियन जाके बोर्ड वगैरह फिट करते हैं, वो भी चीज एक बार देख लेते हैं। भाइयों, हम आपको यहाँ पर ये सैंपल के लिए दिखा के चल रहे हैं, यहाँ पर मैम की शॉप का खुद से बोर्ड लगाया जा रहा है कि इस तरह से टेक्नीशियन जाके आपके यहाँ भी फिट करके आएंगे। तो भाइयों, आज हमने आपको पूरी CNC कटिंग मशीन दिखा दी, क्या क्या वर्किंग रहती है वो सारी बता दी, उसके अलावा LED बोर्ड्स किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह लगाए जाते हैं, क्या क्या डिजाइनिंग रहती है, सारी चीज बता दी। उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप यहाँ पर विजिट कीजिए। यहाँ का एड्रेस और मैम के दूसरे वाले ऑफिस का एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, साथ में कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा।
तब आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कर पाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ से भाई अपना वर्क करा पाएंगे। आपको यहाँ पर मोनू जी भी मिल सकते हैं और निशा जी भी मिल सकती हैं, और आगे की डिटेल के लिए आप इनसे कॉन्टेक्ट करके चलिए। हम फिर से मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।